सर उठा के चलेंगे आप जब आपसे आपका कोई रिजल्ट पूछेगा, ऐसा हथियार बनाएंगे आपको कि हर जगह चलेगा। तो स्वागत है आपका ज्ञापन एकेडमी के इस थीटा बैच में, और आपको त्रिकोणमिति में 1% डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि याद रखिएगा त्रिकोणमिति बहुत ही आसान होता है। एक फॉर्मूला आपको रटने नहीं दूंगा, एक फॉर्मूला आपको रटने नहीं दूंगा, ये अपने दिमाग में जहन में फिट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। हर तरीके का ट्रिक, हर तरीके की कहानी आपको बताएंगे, त्रिकोणमिति की एक प्रेम कहानी भी मिलेगी आपको बहुत ही मजेदार, जो कि एकदम आसान ट्रिक के साथ आप जानेंगे। और ऐसे छोटा मोटा ट्रिक तो आप जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो अभी आपको हम सब टोटल डीपली आपको बताने वाले हैं त्रिकोणमिति का बहुत ही जबरदस्त ट्रिक। तो बने रहिए ज्ञापन एकेडमी के साथ, और बिना देर के हम लोग चलते हैं अपने कहानी की तरफ। 40 नंबर का पूछेगा ट्रायगोनोमेट्रिक यानी त्रिकोणमिति में से आपको क्वेश्चन, लेसन 8 और लेसन 9 जो है ये दोनों मिला करके 40 नंबर का पूछेगा। तो जब आप 8 लेसन में जो त्रिकोणमिति का फॉर्मूला नहीं पता रहेगा तो आप उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, आप नहीं बना पाएंगे। लेकिन आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है, आपको एक काम करना है बस मेरे लिए और खुद के लिए, क्या करना है वो, आपको 6 नाम अपने जहन में रखना है जो त्रिकोणमिति का 6 समझिए जादुई तरीका है, सूत्र है, वो नाम क्या है बस देखिए। ये नाम याद रखना है साइन थीटा, साइन याद रखना है, कॉस याद रखना है, टेन याद रखना है, सब में थीटा डाल दीजिएगा, ये कोण को बताता है, एंगल को बताता है। उसके बाद से कॉसेक थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा, ये याद रखिएगा, sec थीटा और cot थीटा। कैसे नाम याद रखे, देखिए sin cos tan और cosec, लास्ट में क्या आ रहा है sec, और एक बार और रिपीट कर देना है cosec sec cot, sec को एक बार और cot हो जाएगा, याद ये हम ये दिमाग में थोड़ा देर के लिए आप बैठा लीजिए, बस इसी पर फॉर्मूला है और इसी पर एक जादुई ट्रिक और एक कहानी है, प्यार से समझिएगा। बहुत सारा इसमें ट्रिक आप पढ़े होंगे, ये लाल बट्टा कक्का होता है, ऐसे लाल लाल बट्टा एल ए एल ले लो और बट्टा में क्या हो जाता है कक्का, यानी लंब बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, और क्या हो जाएगा लंब बट्टा आधार, जो ये तीनों का फॉर्मूला हो जाता है, ये आप पढ़े होंगे। मे भी अगर फॉर्मूला भूल गए तो कहानी भी तो याद रख सकते हैं ना, कैसे, देखिए हम कुछ देर के लिए एक फिगर बनाते हैं, इसको प्यार से देखिएगा क्योंकि ये प्यार की बातें हैं। देखिए ये कैसे बनेगा, यहाँ लिखते हैं ए बी सी, आप देखिएगा इस सब में तीन ठो लाइन है, एक ट्रायंगल है, आप क्या पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति, त्रि यानी तीन, कोण यानी कोण एंगल होता है, और मिति यानी होता है मापना, यानी तीनों कोणों का मापना, यानी पे मापना है, वही है ट्रायगोनोमेट्रिक, वही है ट्राइगोनो, मतलब आप पढ़े होंगे पेंटागोन हेक्सागोन, तो वही एंगल वगैरह है, और मेट्री यानी मापना, और ट्राई यानी तीन होता है। अब देखिए यहाँ समझिएगा त्रिकोणमिति में ये और ये लाइन दोनों का वैल्यू समझेगा, और ये लाइन यही तो है, और यही तो धोखा मिलता है। देखिए कैसे, इसको बोलते हैं हम लोग कर्ण, इसको बोलते हैं लंब, इसको आधार, अभी आपको कुछ नहीं समझना है। ये देखिए सब में बड़ा कौन है, सब में बड़ा ये लाइन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कर्ण बोलते हैं, ठीक है, ये लंबा है तो इसको क्या बोलेंगे लंब बोलेंगे, और ये क्या बोलेंगे आधार, ठीक है। ये देखिए एक तरह से अगर इस फिगर को उठा के हम ऐसे रखें, ऐसे उठा के रखें, तो ये फिगर ऐसे बनेगा। तो आप बताइए कुछ देर के लिए ये भी लंब बन सकता है कि नहीं, ये वाला लंब बन सकता है, अगर मिला जुला के देखें तो ये और ये सेम हो सकता है, लेकिन कर्ण कभी सेम नहीं हो सकता है। बेचारे ये लंब सिंह को देखिए, लंब सिंह के साथ क्या होता है, लंब सिंह के साथ कर्ण का मोहब्बत हो जाता है। ये देखिए कैसी लड़की है यहाँ पे, कि ये बार बार सबको धोखा दे रही है, ध्यान से समझिएगा। लंब सिंह को कर्ण से मोहब्बत हो जाता है, और लंब सिंह अपने रिश्ता लेके चले जाते हैं अपने बाबूजी के पास, और साइन थीटा से बोलते हैं कि हमको इसके साथ शादी करना है। भाई मामला तो ये दोनों दोस्त हैं, बताइए ये दोनों दोस्त हैं और बीच में एक लड़की है, आप देखिए ये लड़की कैसे धोखा दे रही है, लंब सिंह के साथ भी यहाँ पे मिली हुई है, आधार के साथ भी इधर मिली हुई है, और कहीं नहीं ये दोनों को पता ही नहीं है कि ये दोनों को धोखा दे रही है और दोनों के साथ डेटिंग पर जा रही है, यानी देख लीजिए। अब देखिए तो साइन थीटा के पास गए और बोले कि हमको लंब को कर्ण के साथ रहना है, देखिए हम लोग दोनों आदमी मिले हुए हैं, तो साइन थीटा मान जाते हैं और लंब किसके साथ चला जाता है, कर्ण के साथ चला जाता है। यहाँ सेटिंग इन लोगों का हो गया, लंब कर्ण के साथ, साइन थीटा राजी हो जाते हैं। अब यहाँ पे
आधार काम के आधार भी कहते हैं, एक काम करते हैं, हम भी अपना सेटिंग कर लेते हैं। अभी दोनों दोस्त एक दूसरे को कुछ नहीं बताएं, ये सरप्राइज देना चाहते हैं और ये आधार भी कर्ण के साथ सेटल हो जाता है। अब बताइए, ये भी अपने बाबूजी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमको आधार भी बोला कर्ण से। अब बताइए कि ये जो कर्ण है ये लंब और आधार दोनों के साथ है, लंब वाले लाइन में भी सटा हुआ है और आधार वाले लाइन में भी सटा हुआ है, दोनों के साथ इसका पैचअप है। अब यहाँ मामला फंस गया, दोनों ने एकाएक लंब और आधार सरप्राइज देने आते हैं कि मेरी तो शादी तय हो गई, ये भी बोलता है मेरी तो शादी तय हो गई। जब दोनों अपना अपना दुख सुनाते हैं, अपनी खुशी को शेयर करते हैं, तो पता ये चलता है कि ये दोनों के साथ धोखा दिए, दोनों के साथ गलत हुआ है और ये दोनों टूट जाते हैं। लेकिन दोस्त है ना, कभी साथ नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, लड़के हैं ना तो कैसे साथ छोड़ सकते हैं। और ये क्या करते हैं, ये दोनों बोलते हैं कि इसको मारो गोली, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, हमको लड़की नहीं चाहिए। और ऐसे करके दोनों राय करते हैं और राय करके जाते हैं टेन के पास और टेन के साथ लंब और आधार सेटल हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं, एक बार लंब के साथ कर्ण था तो धोखा हो रहा था, आधार के साथ कर्ण था तो धोखा हो रहा था, लेकिन जब समझदारी बढ़ गई तो कर्ण को हटा दिया गया और फिर दोनों साथ में दोस्त हो गए, लंब और आधार। याद रखिएगा साइन थीटा किसके, साइन थीटा का शादी ये किससे तय किया था, लंब और कर्ण के साथ। कॉस थीटा किससे किया था, आधार और कर्ण के साथ। जब थोड़ा सा समझदारी बढ़ी तो कर्ण को हटा दिया गया और लंब और साथ साथ में आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब एक बार कर्ण के साथ। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, एक बार आधार ही कर्ण के साथ। और थर्ड स्टेज में जब टेन आता है तो कर्ण को हटा दिया जाता है, फिर दोनों दोस्त साथ में हो जाते हैं, लंब और आधार साथ में हो जाते हैं। और ये तो जानते हैं कि साइन का उल्टा होता है कॉस एक, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो कॉस एक बराबर हो जाएगा कर्ण बटा लंब, ठीक है। जब यहाँ पे कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, इसी का उल्टा हो जाएगा। और यहाँ भी देखिए टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब हो जाएगा, ठीक है। याद कैसे रखिएगा, इसमें भी टी है और इसमें भी टी है, तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टा होता है। देखिए टी इसमें भी, टी इसमें भी, तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। तो ये तीनों आपको याद रहेगा, कहानी क्या है, पहली बार लंब कर्ण के साथ रहते हैं पहले वाले में साइन के साथ, दूसरे बार में आधार भी कर्ण के साथ रहते हैं कॉस वाले में, और तीसरी बार में जब सच्चाई का पता लगता है तो लड़की को छोड़ देते हैं और फिर दोनों दोस्त साथ में हो जाते हैं और वही लंब और आधार साथ में हो जाते हैं जो टेन के साथ। और इसी तीनों का उल्टा क्या होता है आपका, ये कौशिक सेक कॉट, कौशिक नाम याद रखिएगा, कौशिक लास्ट में सेक है, तो एक बार और सेक बोलिए और टी वाला तीन नंबर में बोल दीजिए। एक और आप ट्रिक जानते होंगे, लाल बट्टा कक्का, कैसे, लाल बट्टा कक्का। साइन थीटा बराबर पहला होता है, कॉस थीटा बराबर दूसरा होता है और टेन थीटा बराबर तीसरा होता है, कैसे, साइन थीटा बराबर एल से लंब और के से कर्ण हो जाएगा, लंब बट्टा कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, ए से आधार और के से कर्ण। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो एल माने लंब और ए यानी आधार। और इसी का उल्टा होता है कौशिक सेक कॉट, याद रखिएगा कौशिक सेक कॉट, बोलते रहिए कौशिक सेक कॉट, याद किसी कैसे कीजिएगा, कौशिक लास्ट में सेक आ रहा है ना कौशिक बोलने में, तो एक बार वही बोल देना है लास्ट वाला सेक और कॉट। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, इन दोनों की प्रेम कहानी कैसे कहानी था, दोनों एक दूसरे के साथ सेटल था, लास्ट में जानकारी हुआ इसको छोड़ दिया और फिर ये दोनों साथ में आ गया, एक बार लंब कर्ण के साथ था, एक बार आधार कर्ण के साथ था, और बेचारा बाद में दोनों साथ साथ हो गया। तो दोस्ती पर भरोसा रखिए, रिजल्ट तो बेहतर आएगा, आपको 1% प्रेशर नहीं लेना पड़ेगा। तो फिर हम लोग दूसरा ट्रिक देखेंगे, बस एक नाम याद रखिएगा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक सेक कॉट, सब में थीटा लगा दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग दूसरा अब ट्रिक देखने चलते हैं।
तो यहाँ हम लोग सेकंड फॉर्मूला देखते हैं बहुत ही मज़ेदार तरीका से, जिसको पाइथागोरस फॉर्मूला कहते हैं। आपको वैसे याद भी होगा, नहीं तो उसकी भी कहानी है। एक कहानी तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का समझ चुके हैं। वो कहानी क्या था, ये बेचारे दोनों दोस्त हैं, देखिए यहाँ पे दोस्त हैं, एक बार लंब कर्ण से शादी करता है। देखिए ना, ये लंब का कर्ण से पैचअप है कि नहीं, आधार का भी पैचअप है, लेकिन दोनों को इसको ना एक है और एक इसको ना है, दोनों नहीं बता रहा है, ठीक है। और इसके साथ धोखा हो गया, एक बार लंब कर्ण के साथ गया, लंब एक बार कर्ण साथ भी है, आधार भी कर्ण के साथ है। देखिए ये दोनों के साथ है, कैसे निर्दयी है, ठीक है, कि ये दोनों के साथ है, लंब कर्ण के साथ भी एक बार है और आधार कर्ण के साथ भी है। पता चला तब तो जाके ये लंब और आधार साथ हो गए। तो साइन थीटा में लंब कर्ण के साथ, कॉस थीटा में आधार कर्ण के साथ, और टेन थीटा में ये खत्म, फिर ये दोनों साथ साथ, ठीक है। तो आपको एक ही काम करना है, बस लाइन से याद रखना है साइन थीटा कॉस, बस छह नाम याद रखिए, आपको पूरा 32 या 35 फॉर्मूला आपके त्रिकोणमिति में होगा, और आप बिना याद किए 35 फॉर्मूला टोटल त्रिकोणमिति का लिख सकते हैं। आप कहिएगा कि मेरा मतलब कि हम ये जादू सीखे कैसे, ठीक है। यहां देखिए, एक फिर से हम लोग यहां पे देखते हैं पाइथागोरस फॉर्मूला, आप सुने होंगे। होता क्या है, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये आखिर फॉर्मूला कैसे बना और कहां से आया, इसकी कहानी क्या है, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा इस शख्स को, कैसी ये लड़की है। देखिए ध्यान से, यहां क्या होता है, ये कर्ण कहती है, देख लिए ना, है ना हम ताकतवर, तुम लोगों से बहुत स्ट्रांग हैं, तुम लोग टूट जा रहे हो, हम टूट नहीं रहे हैं, यही तो जलवा है, ठीक है। अब ये कहती है कि तुमको हमारा सामना करना है ना, एक काम करो, तुम दोनों को अगर सामना करना है तो एक हम सबसे पहले तुम जैसे ही मेरे पास आओगे, हम अपने पावर को डबल कर लेंगे, यानी कि पावर को अपना पावर बढ़ा लेंगे। कर्ण के पास जैसे ही जाओगे ये अपना पावर डबल कर लेगा, बढ़ा लेगा। तो बोलेगा, ये दोनों सोचता है अब हम इसको कैसे हराएंगे, कर्ण को कैसे हराएंगे। तो यही राय देती है, हाँ एक शर्त पे मेरे बराबर तुम आ सकते हो, तुम भी अपने पावर को डबल करो, तुम भी अपने पावर को डबल करो, ठीक है। और दोनों अकेले मत आना, दोनों साथ में आओगे तब जाके हमारे बराबरी कर पाओगे, समझे हम क्या बोले। ये ऑलरेडी अपने पावर को डबल यहाँ कर चुकी है। अब यहाँ पे मामला ये उठता है कि यही खुद राय दी, कौन सा राय दी, देखिए कि मेरे बराबरी अगर करना है तो एक काम करो, तुम अपने पावर को डबल करो और तुम भी, जैसे हमने तो कर लिया, तुम दोनों को डबल करके साथ में आना पड़ेगा। ये नहीं कि डबल करके और डायरेक्ट हम तुम्हारे पास आ जाएं, ऐसा नहीं होगा, हार जाओगे तुमसे, एक बार ऑलरेडी दोनों टूट चुके हो, ठीक है। तो बोले अच्छा बात है, तो ये भी अपने पावर को कर लेता है डबल और स्क्वायर कर लेता है, और ये भी कर लेता है डबल, और दोनों देखिए साथ में आता है जुट करके और अपनी ताकत को बढ़ाता है, तब जा करके कर्ण के दोनों क्या होता है, बराबर होता है, समझे। ये है कर्ण की क्वालिटी, जैसे ही अपना कर्ण पावर यानी कि स्क्वायर में किया, इनको भी स्क्वायर होना पड़ा, इनको भी स्क्वायर होना पड़ा, लेकिन अकेले बराबर नहीं हो पाएंगे, बराबर में आने के लिए दोनों को जुट के आना पड़ेगा, ठीक है। तो यही है पाइथागोरस फॉर्मूला। एक और बात, ये स्क्वायर है ना, जब बराबर जंप करता है तो उधर रूट में चला जाता है, इसमें चला जाता है अंडर रूट में बन जाता है। देखिए ये दो का भी क्वालिटी समझिए, ये छोटा सा दो है, एक छोटे बच्चे देखें घर में ऐसे लगेगा जैसे कितना शरीफ है, अब बाहर जैसे ही जाएगा रोज झगड़ा करके आएगा, ठीक है, रोज कंप्लेन उसके घर आएगा, बताइए आपका लड़का कैसा है। वही तो दो है, दो अंदर अपने पास कर्ण के पास रहता है तो चुपचाप रहता है, जैसे ही बाहर जाता है बराबर के उधर, तो देखिए किस रूप में बदल जाता है, सबको घेर लेता है, इसके अंदर लंब रहेंगे और इसके अंदर आधार रहेंगे, ठीक है। फिर ये अंडर रूट अगर इधर आएगा ना तो स्क्वायर में बदल जाएगा, फिर ये स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो किसमें बदल जाएगा, रूट में बदल जाएगा। अगर आपसे कोई बोले कर्ण इसके बराबर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये तो खुद बताइए, ये भी डबल हो जाओ अपने पावर को, ये भी डबल हो जाओ, और फिर दोनों जुट के आओ यानी प्लस होकर के आओ, ऐड होकर आओ, तब बराबर हो जाओगे, ठीक है। तो यही है आपका ओरिजिनल फॉर्मूला, स्क्वायर था इधर भेजे तो रूट में बदलेगा, यानी कि क्या हो गया, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर आपको यहां से लंब या आधार निकालना हो तो ये तो आप निकाल सकते हैं, अगर ये निकालना हो तो जिस चीज की वैल्यू निकाली जाती है उसको वहीं पे छोड़ना पड़ता है। मे भी ये एक फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको थोड़ा देर के लिए हम इरेज करते हैं, इसको समझिए। यहां से अगर आपको आधार निकालना हो तो इसको यहीं पर छोड़िए ना, इसको इधर भेज दीजिए, तो इधर क्या है, इधर तो कर्ण इंतजार कर रही है, आ जाओ, ठीक है, प्लस में है, इधर आया तो किसमें हो गया, माइनस में हो गया लंब स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया इधर आधार स्क्वायर, ठीक है। आधार निकालना है ना, आधार स्क्वायर नहीं निकालना है आपको, आधार निकालना है, तो स्क्वायर है इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा, तो अंडर रूट हो जाएगा
कर्ण स्क्वायर और माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है, इधर बच जाएगा आधार अकेले। एक चीज आप याद रखिएगा, सिर्फ अगर बड़ा वाला कर्ण का बराबरी करना हो तभी ये दोनों जुटेगा। याद रख लीजिए एक चीज, क्या याद रखना है, अगर कर्ण निकालना हो, कर्ण का बराबर करना हो, इसका कर्ण निकालिए, इसका हाइपोटेनस निकालिए, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है, निकालिए, तभी ये दोनों जुटेगा तो इसके बराबरी हो पाएगा। अदरवाइज ये पूछे या फिर ये पूछे तो घटेगा इसमें से। अगर आधार पूछे तो इसको घटा देना दोनों को, अगर लंब पूछे कि लंब निकालिए, यहां से क्या निकालिए, लंब, तो कर्ण तो यहीं पर रहेगा, लंब आप यहां देखिए, कर्ण तो यहीं पे रहेगा, जब यहां लंब पूछेगा तो यहां का घट जाएगा, आधार घट जाएगा, क्या घट जाएगा, आधार, क्योंकि देखिए नाम तीने को है, याद रखिएगा, एक दो तीन नाम है, तो तीनों नाम दिखना चाहिए, अगर इधर लंब है तो यहां आधार होगा, अगर यहां आधार हो जाएगा तो यहां लंब होगा, यही चीज आपको याद रखना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा, यह परपेंडिकुलर है, यह बेस है और यह हाइपोटेनस है, ठीक है। तो अब आपसे 8.1 बहुत ही मजेदार तरीका से बनेगा, तो बिना देर के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।